को ये दरबार मिला बहुत बड़ा पुण्य है। और कहीं पे भी आराम नहीं है संतों। Do not be in a myth. You can postpone your worry by keeping your senses entertained through so many ways. But that doesn't mean your pain has gone. That doesn't mean आपको रास्ता मिला चक्रव्यूह से मुक्त आजाद होने का, है ना? जो अज्ञान के कारण दर्द है वो ज्ञान के ही कारण या ज्ञान के थ्रू ही उसका निवारण है, और कोई रास्ता नहीं है। Our soul will feel healed only with pure, unadulterated love, not otherwise. कौन है जो मेरे को ऐसे हिला के मेरे को बोले चुप कर, तू है ही ब्रह्म? अरे राम भगवान भी इतना पीड़ित हुए थे, इतना पीड़ित हुए थे, जब धरती माँ और सीता माँ को ले गए तो वो हिल गए थे। सही बात है ना, चोला तो है ना, वो निराकार का चोला तो है ना। फिर ब्रह्मा देव को प्रकट होना पड़ा, दिखाना पड़ा कि तुम अपने स्वरूप को जानो, हे राम तू इस धरती का भगवान, अपने स्वरूप को जान। ऐसे ही गुरु हमारे लाइफ में ब्रह्मा स्वरूप आकर हमको बोलते हैं, जगाती हैं कि एक सेकंड तू देख, तू कौन, तू है कौन, तू कहां अपने मन को लेके रखा है, तू है कौन, क्यों मैं छोटेपन को खरीद करूं, क्यों क्यों मैं प्रेम को अपने में इतना सीमित करूं, क्यों? It will never give me peace. You know why? Because I cannot be calculated. I'm vast. इसलिए हमको बड़ी बड़ी जगह, खुली खुली जगह अच्छी लगती है, क्योंकि वो आत्मा का स्वरूप है, वो गुण है। कोई बात नहीं, कभी भी कंफ्यूजन आए ना मन के अंदर, बोलो नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा होगा, कोई बात नहीं, भगवान तो बैठा है ना। ऊंचा वचन दो, ऊंचा वचन। कभी कुछ भी समझ में आए अंदर में, फटाफट कमरे में जा, नहीं 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 एक मिनट, ये फलाना नहीं है, ये मेरा स्वरूप ही है, ये मेरा भगवान ही है, वो सबसे बड़ी पूजा है। भगवान का दर्शन घट घट में करना ही सबसे बड़ी पूजा है। यहाँ आराम आएगा तो सबसे ज्यादा आराम वहां पे भी। ये लॉ है, ये लॉ है। जो चीज यहाँ पे अनुभव नहीं हुई वो किसी और को तुम अनुभव करा नहीं सकोगे। अनुभव बहुत बड़ी चीज, यहाँ पे आराम, अनुभव, शांति, आराम, ये बहुत लॉयल चीजें हैं, ये भगवान की बहुत लॉयल चीजें हैं। ऐसे ही आपको आराम नहीं आएगा, ऐसे ही आपको शांति नहीं आएगी, अगर मेरा ख्याल राइट नहीं है, मेरी सत्य की समझ गहरी नहीं है। भले आपने कर्म भी बहुत राइट किया तो भी पूर्ण तरीके से आराम नहीं आएगा, लेकिन ज्ञान की सच्ची समझ जब अंदर घर कर लेती है ना, तब आराम ही आराम। वो एक सुंदर स्टेट ऑफ माइंड है भी वो स्टेट ऑफ माइंड ही, पर उसके लिए हमको फिर मेहनत नहीं करनी। समझ हर चीज से हमको छुटकारा दे देती है, समझ, सफाई। फ्रैक्चर्ड सोल मतलब जो बंदा स्वयं ही इतना बंधन में है, जिसका मन अभी भी अज्ञान में है, सत्संग वो गया नहीं, उसने जाना नहीं, उसने सत्य प्यार का अनुभव किया नहीं, उसको खोल खोल के किसी ने बताया कुछ भी नहीं, जो खुद ही अपने से, अपने स्वभाव संस्कारों से स्वयं ही परेशान है, जरे जरे क्रोध में आता है, जरे जरे उसको ये होता है, ऊपर नीचे अनुभवों को ऐसे वो टाइट पकड़ के बैठता है, उसको सारी टेम्पररी बात, सारा जगत ही सत्य लगता है, कि उसने इमेजिनेशन वाला भगवान को भी सत्य बना के रखा। ऐसा बंदा स्वयं जो दुखी है तो वो क्या है? फ्रैक्चर्ड, नो? अरे इफ आई हैव अ हैंड विच इज फ्रैक्चर्ड, व्हाट विल यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, फ्रॉम माय बॉडी टू डू सेवा? रॉन्ग, नो? इफ यू एक्सपेक्ट, और अगर ये फ्रैक्चर्ड बॉडी दर्द में फटक रहा है, फलक रहा है, आप उसको एक थप्पड़ और मारो, क्यों रो रहा है तू, पागल है क्या, क्यों तेरे को दर्द होना चाहिए, चल भागवत का पाठ पढ़ते हैं, तेरे को दर्द नहीं होना चाहिए, ऐसा होएगा? जिसके अंदर में ज्ञान नहीं, तुम कितना भी भगवान का नाम लो या उसको भी लेने को बोलो, ये तो टोपियां पहनने की बात है संत, टोपियां पहनने की बात, टोपियां पहन। मेरे यहाँ पे चोट आया तो मैं चोट का इलाज ना करके उसको ढक दूं, तू नहीं देख सकती है उस चोट को, तो इसका मतलब यह है कि चोट नहीं, अंदर ही अंदर मेरे शरीर को खा जाएगा ना वो चोट, इन्फेक्टेड हो जाएगा ना, क्या नहीं होगा ना। इग्नोरिंग इज नॉट अ वीकनिंग, लेट्स नॉट प्रिटेंड।
हाँ भगवान मेरे अंदर में ऐसा ऐसा है, प्लीज आप वाणी दो, प्लीज मेरे को कृपा करो, प्लीज मेरे को अब उठना है, बस भगवान उठना है, पुकार करो। अपने अवगुणों का साथ मेरे को क्यों देने का है? अभी भी मन मेरे को सत्य लगता है, अभी ये है ये है ये, हालत आने के टाइम हमको मालूम पड़ेगा कौन किधर कैसा क्या है, अंदर से कितनी हाय हाय मचती है मालूम है ना। देखिए मेरे को कर्म किसी का बड़ी बात है प्यारी, बड़ी में बड़ी बात है। पर हमने ऐसे ऐसे खेल देखे हैं ना सत्संग में, भगवान तो भगवान, भगवान की योगी तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, निरिच्छा टू द कोर, पक्का जिज्ञासु टू द कोर, गुरु का वचन बस राइटिंग ऑन द स्टोन, तस से ना मस, एकदम राइटिंग ऑन द स्टोन, कोई बुद्धि ना चले, उनका संग करें तो हमको लगे कि बस मैंने भगवान का संग कर लिया, कितनी बड़ी बात है। हमने ऐसे ऐसे देखा है, तभी बोला फ्रैक्चर्ड सोल। अरे जो बंदा का फ्रैक्चर होता है तो हम उसको कितना प्यार करते हैं, उसके लिए खाना बनाते हैं, उसको वो करते हैं, कि हम उल्टा उसे एक्सपेक्ट करेंगे। तो ऐसे ही सृष्टि में जो भी जिसको भी मैंने बोला मेरा, पर मैं जानू तो सही, व्हाट एम आई एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दैट पर्सन? इफ ही नोज दैट व्हाट ही इज डूइंग इज रॉन्ग, ही विल नॉट डू इट इन द फर्स्ट प्लेस। और रॉन्ग किसके लिए? रॉन्ग की परिभाषा आपकी अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है। यू विल से यू नो दीदी दिस इज बेस्ट फॉर यू, एक्सक्यूज मी, बेस्ट माइट हैव अ डिफरेंट लैंग्वेज फॉर यू, फॉर मी मेरे को अज्ञान बेस्ट लगेगा, आपको ज्ञान बेस्ट लगता है। पर आप प्यार करके कुर्बानी करके मेरी समझ को ऊपर लेके तो आओ, पहले एक्सपेक्टेशन करके रखा। अरे अपनी नींद फिटाओ, मेरे को प्यार करो, मेरे को कुर्बानी करो, पूरा अपना गुरु का वचन सत्य करो, उसका ऋण चुकाओ, मेरे साथ मेहनत करो, कि पहले ही मेरे को आप एक्सपेक्टेशन रखते हो कि शुभा दीदी की समझ इधर से ऐसे हो जावे। क्यों होवे? मैं अपनी समझ में खुश हूँ, मैं खुश हूँ अपने अज्ञान में, तभी तो वो वैसा करता है, तभी तो। यू अंडरस्टैंड? ज्ञान किसने सुना? आपने। मतलब आपका दिमाग इवोल्यूशन के लिए रेडी था, भगवान ने चुना, वी आर लकी। उसके लिए भी क्रेडिट अपने को मत देना, वी आर लकी। तो मैं लकी हूं तो मेरे को और क्या करना है अंदर में? कौन सी भाव मेरे अंदर में हो कि मैं दुखी हो जाऊं? अरे एमबीए स्टूडेंट प्री केजी स्टूडेंट के साथ हार जावे, जिसने ज्ञान सुना वो जगत के बंदों के आगे उनसे हार जावे, उनके कर्म से दुखी सुखी हो जावे, उनकी बातों से दुखी सुखी हो जावे, उल्टा उनको ब्लेम करे, ये मेरी लेवल है। शेम शेम है कि नहीं? Who is better evolved? Who has gone through an education process? On whom has prakriti spent time and money? From pre-KG you have done a journey to MBA only to be defeated by a pre-KG? Seriously? अरे जगत के बंदों को जीतना तो ऐसे ऐसे आना चाहिए। तो प्यार कर, तो प्रेम कर, ऑब्जर्व करो ना, ऑब्जर्व करो ना, हम थके क्यों? अरे जो PhD करके निकलता है उल्टा फिर वो प्रोफेसर बन के औरों को सिखाता है, आप और मैं क्या करते हैं? बस मैंने सीख लिया, मैं बैठ जाऊं, ये जिए ये मरे। आज मेरा गुरु ऐसा होता तो हम बनते? कितनी कुर्बानी देनी पड़ती है प्यारे, कुर्बानी। जिगर को हाथ पे लगकर जो चले तो चले हमारे साथ। तुमको फकीरी चाहिए, तुमको मैं करना है, वो तुम्हारी जिंदगी है। हमको तो राजा का जीवन चाहिए भाई, हमारा जीवन शुभ होवे। यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन नहीं, चलाकी नहीं, चतुराई नहीं, प्रेम देना ही देना, देना ही देना, लेना नहीं, कुछ भी नहीं। अरे मेरा है क्या? मैं हूँ किधर इन द फर्स्ट प्लेस? सब इतना स्वच्छ है, साफ है, अगर मैं ना हुई तो कितनी अच्छी बात है। आप यहाँ पे आते हो, आपकी सोल की हीलिंग नहीं होती, आपको अंदर में फुलनेस की फीलिंग नहीं आती, तो उसका आशीर्वाद किसको मिलता है? यहाँ पे ना आप आशीर्वाद, वो प्रेम फेंक के जाते हो ना, आपको मालूम भी नहीं पड़ता, पर आपके इर्द गिर्द वो ऑरा क्रिएट हो जाता है। तो उसका सुख कितने लेते हैं? हम में से सब कितने लेते हैं? सो गेटिंग कैरिड अवे, इफेक्टेड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ द इग्नोरेंट ओनली शोज योर लेवल ऑफ इग्नोरेंस डार्लिंग। अच्छा तू मेरे को बता, आप लंबे हो गए, आपका शरीर लंबा हो गया, एक छोटा बच्चा है आपके सामने आता है, ठीक है, दुकान में चॉकलेट्स रखी हुई हैं, वो हाथ ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है चॉकलेट के लिए। For you it is so easy to access to it and give it to him. तो आप करता बन के बोलोगे मैंने दिया, आपके लिए इतना easy था, कुछ मुश्किल ही नहीं था।
प्यार से मुस्कुरा के, अच्छा एक सेकेंड, आपको ना पैसा देना है ना कुछ, उसके लिए तो उसकी माँ खड़ी है। आपने क्या किया, चॉकलेट देकर उसको दे दे, इजीली, कुछ नहीं। हमारे लिए प्रेम उससे भी ज्यादा आसान है। प्रेम, प्यार, वननेस, समझ, ज्ञान। जो लड़ाई कर रहे हैं, थक रहे हैं जगत में, पाने की खुशी में, इस करने में, उस करने में, रिश्तों को, ये वो, थोड़ा सा मुस्कुरा दो, थोड़ा सा प्रेम में, कोई बात नहीं, गलतियों कोई बात नहीं, ना ना, पर तुम वही काम करोगे तो फिर व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ऑल दैट एजुकेशन। आप समझते हैं बात को, मेरे लिए ये काम इजी है, इजी है। कोई मेरे साथ मेरा हाथ पकड़कर चल चल कर चल चल कर मेरे को इतनी उन्नति तक लेके आया, तो आज मेरे भी तो दो हाथ है ना, मैं भी दो हाथ को पकड़ सकता हूँ ना, मेरे लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। छोटा बच्चा मेरे को गोदी में नहीं ले सकता, पर मैं तो उसको ले सकता हूँ ना, मेरे को तो उसका सुख भी मिलेगा ना, अच्छा भी लगता है ना। पर बच्चे से एक्सपेक्ट करो, देख दो दिन पहले मैंने तेरे को गोदी लिया था, अब तू मेरे को गोदी ले, वो तो मर ही जाएगा बेचारा, खड़ा उतर ही नहीं पाएगा। इट्स फिजिकली नॉट पॉसिबल। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ टॉर्मेंटेड माइंड विद नो नॉलेज एंड विजडम एवोल्यूशन ऑफ एनी सॉर्ट टू फील पीस and vibrate beautiful vibration so that you come in peace. ये तो कमाल नहीं, ये मेरी बात समझो, ये हमारी है कि नहीं? Not possible at all. But we still expect it. Because how do I know I expect it? तभी, and we don't even realize. पर अंदर में, मैं बोलती हूँ अंदर में होने दो, because we are not dead people. We can understand कि not right. तो जाएगी एक जगह पे जहाँ पे दारू है, ये है, गड़बड़ कर्म होता है, आपको क्या लगता है अंदर वाला आपका नहीं बोलेगा? ना बोले ऐसा नहीं है, वो बोलेगा तो एक्ट ऑन इट। इट इज नॉट फॉर दिस प्योर बॉडी टू गो देयर राइट नाउ। हाँ, जरूरत पड़ेगी निराकार को, वहां पे किसी का उद्धार होना होगा तो वो शरीर को भी लेके जाएगा, तो बुद्धि मत चला। पर अगर ऐसी फीलिंग आती है देन लिसन, नो, टर्न अराउंड। That doesn't mean that place is wrong and this place is right. वो भी बात नहीं है। हर चीज को, कण कण को रिस्पेक्ट हम नहीं करेंगे तो वही कण मेरे आंख में आके मेरे को तकलीफ देगा। याद रखना, जस्ट बिकॉज कोई मेरा बेटा है, कोई मेरा पति है, कोई मेरा जो भी है, मेरे को हक नहीं है उसके कर्म को राइट या रॉन्ग बोलने का, नहीं है। क्या बोला मेरे भगवान ने, कोई तेरा बाप का नौकर नहीं है जो तेरी वासना पूरी करेगा, कोई नहीं। तो हम ऐसा क्यों रखें मन को, हम चिड़ियों को मुक्त कराते हैं कि वो फ्री आसमान में उड़े, तो मेरा मन भी उड़े और सामने वाले का भी उड़े ना। सो आई एम साइनिंग अप फॉर पूर्णता, कंप्लीटनेस, नो स्पेस ओनी, नो झोल योर इनसाइड, कोई झोल नहीं है, सब पूर्ण है, पूर्ण पूर्ण पूर्ण, बस आत्मा आत्मा को नमस्कार है।